हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिए, दूसरों से शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल के आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट जानकारी मैं सीएट के रिगार्डिंग इस चैनल पर अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप से कई लोगों ने पूछा है, बार बार पूछा है कि अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो कब तक आप एडमिशन कैंसिल करवा सकते हैं और आपको कितनी फ़ी रिफ़ंड होगी। आमतौर पर यह सवाल सीएट में शामिल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पूछा गया है, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार भी शामिल है और इस तरह की जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने सीएट में पार्टिसिपेट किया था या पार्टिसिपेट नहीं भी किया था, उसके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक सर्कुलर जारी किया था फ़ी रिफ़ंड प्रोसेस के लिए। उसमें क्लियरली बताया गया है कि कब तक आपको एडमिशन लेना है, कब तक आपको 100% फ़ी वापस करनी है और उस डेट के बाद अगर कोई एडमिशन कैंसिलेशन कराता है तो आप कितना फ़ी डिडक्ट करेंगे। उस नोटिस पे मोटा मोटी ये बोला गया है, नोटिस को मैं आगे आपके साथ शेयर भी करूँगा इस वीडियो में, कि अगर किसी ने 30 सितंबर 2023 तक एडमिशन कैंसिलेशन करवाया है किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो या गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड हो, जम्मू हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, तो उनको यूनिवर्सिटी को 100% फ़ी रिफ़ंड करना है। यानी 30 सितंबर 2023, जिसमें करीब आप 4 दिन रह गए हैं, उस दिन तक अगर आप एडमिशन कैंसिलेशन करवाते हैं तो आपके सारे पैसे रिफ़ंड हो गए। उसके बाद अगर आप 31 अक्टूबर तक एडमिशन कैंसिलेशन करवाते हैं, जो कि लास्ट डेट ऑफ एडमिशन के 1 महीने बाद तक है, तो यूनिवर्सिटी को राइट दिया गया है यूजीसी के द्वारा, वो आपके 1,000 रुपये डिडक्ट कर देंगे। अगर आपने 11,000 जमा किया है तो 11,000 से 1,000 डिडक्ट करके यूनिवर्सिटी को 10,000 रुपये आपको वापस करने होंगे। 31 अक्टूबर के बाद अगर आप पैसे एडमिशन कैंसिलेशन करवाते हैं तो उसके लिए उसके बाद आपको सिर्फ 1,000 रुपये वापस मिलेंगे। ये यूजीसी का सर्कुलर है। आगे वीडियो में मैं आपके साथ पूरे सर्कुलर को ध्यान से शेयर करने जा रहा हूँ, इसलिए आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस सर्कुलर को आप ध्यान से देखिए। अगर आपने कहीं से एडमिशन कैंसिलेशन करवाया है और अगर आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको ट्रैवल कर रहा है, आपको पैसे वापस नहीं कर रहा है, तो आप यूजीसी को डायरेक्टली लिख सकते हैं और उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपके पैसे डिडक्ट किए जा रहे हैं, आपको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। इस पे ये होगा कि यूजीसी उस पे एक्शन करेगी और बेहतर होगा कि उससे पहले आप उस सर्कुलर की कॉपी, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दिया, वहाँ से डाउनलोड कर अपने एप्लीकेशन के साथ उस यूनिवर्सिटी में सबमिट कीजिए कि एज़ पर यूजीसी रूल आपको पैसे वापस मिलने हैं। तो इस वीडियो में चलिए आगे देखते हैं क्या है वो सर्कुलर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने 3 जुलाई 2023 को एक सर्कुलर जारी किया है फी रिफंड के रिगार्डिंग। ये सर्कुलर सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज या वो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस जो यूजीसी से रेगुलेट होते हैं, यूजीसी के नियमों का पालन करते हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल है। फी रिफंड पॉलिसी 2023-24 रिस्पेक्टेड मैडम सर लिखा गया है। The UGC receives many representation complaints from the students' parents on the non-refunds of fee by the higher education institutes on cancellation, withdrawal or admission. UGC को बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं parents से, students के से, cancellation और withdrawal or admission के regarding. The students should be allowed a full refund of fees within a specified period to opt for a course they choose. में कहा गया है कि students को fee refund किया जाए, जो पीरियड दिया हुआ है, जो टाइमलाइन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो एडमिशन कैंसिल कराते हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स भी वापस करने होंगे जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है। द कमीशन हैज कंसीडर्ड द मैटर इन इट्स 570th मीटिंग हेल्ड ऑन 27th जून। 27 जून को 570वीं मीटिंग हुई थी, उसमें ये बातें सामने आई हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी गाइडलाइंस, प्रॉस्पेक्टस, नोटिफिकेशन शेड्यूल, अ फुल रिफंड ऑफ फी shall be made by the HEIs on account of all cancellation of admission, migration of student up to 30th of September 2023। यानी 30 सितंबर तक अगर कोई कैंसिलेशन करा रहा है कोई भी स्टूडेंट, तो उनको फुल रिफंड करना है उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को, एंड विद द डिडक्शन ऑफ नॉट मोर देन 100 रुपीज़ 1,000 एज अ प्रोसेसिंग फी अप टू 31st of October 2023। यानी अगर 31 अक्टूबर 2023 तक आप एडमिशन कैंसिलेशन कराते हैं तो वो इंस्टीट्यूट 1,000 रुपये से ज़्यादा डिडक्ट नहीं कर सकती है, नहीं काट सकती है। 1,000 रुपये डिडक्ट करके उनको पूरी फी वापस करनी है। फॉर एनी एडमिशन शेड्यूल एक्सटेंडिंग कमेंसिंग बियॉन्ड आफ्टर 31st ऑफ अक्टूबर
31 अक्टूबर के बाद भी कहीं पे अगर एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, द प्रोविजन कंसिस्टेंट इन द यूजीसी नोटिफिकेशन इशूड इन अक्टूबर 2018, तो अक्टूबर 31 के बाद अगर एडमिशन प्रक्रिया चल रही है तो वहाँ पे 2018 के रिफंड रूल को फॉलो किया जाएगा। अगर ये दोनों केस मीट नहीं हो रहे हैं और 31 अक्टूबर के बाद भी एडमिशन चल रहे हैं तो कैसे फिर रिफंड की जाए। अगर यूनिवर्सिटी ने या कॉलेज ने 31 अक्टूबर के बाद लास्ट डेट ऑफ एडमिशन रखा है तो 100% फी रिफंड की जाएगी 15 डेज और मोर बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, यानी 15 दिन पहले अगर लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन से पहले कोई अगर एडमिशन कैंसिलेशन कराते हैं तो उनको 100% रिफंड होगा। 90% लेस देन 15 डेज बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, अगर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 15 नवंबर की नोटिफाइड है, अगर कोई 15 नवंबर से 15 दिन से कम यानी अगर 1 नवंबर या 2 नवंबर कैंसिलेशन कराते हैं तो 90% मिलेगी। 15 डेज और लेस आफ्टर द फॉर्मली अगर नोटिफिकेशन के 15 दिन या उससे कम में अगर कोई कैंसिलेशन कराते हैं तो 80%, 50% अगर कोई 15 सितंबर की नोटिस है या 15 नवंबर की नोटिस है और 15 नवंबर के बाद कैंसिलेशन कराते हैं तो 30 दिन तक 50%, और उसके बाद 0% अगर 30 दिन से ज़्यादा कोई करते हैं। अगर दिसंबर 15 को सपोज कोई एडमिशन कैंसिलेशन कराते हैं तो उनको कोई भी पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें बताया गया, इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट द UGC हैज नोटिफाइड द रिड्यूसल ऑफ ग्रीवांसेज ऑफ स्टूडेंट्स रेगुलेशन 2023 व्हेन अ डिले इन और डिनाइल ऑफ द रिफंड ऑफ फी ड्यू टू अ स्टूडेंट हु विथड्रॉज एडमिशन विद इन द टाइम मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस इफ एनी इशूड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम हैज बीन डिफाइंड एज वन ऑफ द ग्रीवांसेज। तो स्टूडेंट्स की ग्रीवांस रिड्यूसल में रिफंड ऑफ फी को भी जोड़ा गया है, और इसमें अगर कोई डिनाइल कर रहे हैं तो जो इंस्टीट्यूट है उनको पेनल्टी भी हो सकती है। द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर कंप्लायंस विद द फी रिफंड पॉलिसी फॉर द एकेडमिक सेशन 23-24 एंड रिड्रेस एनी ग्रीवांस बाय द प्रोविजंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रेड कमीशन रेगुलेशन 23। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट किया गया है कि वो जो भी गाइडलाइंस है UGC के उनको माने, अगर कोई उन रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानते हैं तो उनको UGC से पेनलाइज किया जाता है, तो उन्हें दंड दिया जा सकता है। ये लेटर सारे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर और प्रिंसिपल डायरेक्टर कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स को भेजा गया था। अगर आपने किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज से एडमिशन विड्रॉल कराया है और वो UGC से उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को ग्रांट मिल रहा है तो इस लेटर के अकॉर्डिंग उनको पैसे वापस करने हैं, अगर आपका केस इन केस में कोई भी केस में से मीट कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेस।